साथियों, कोई भी देश हो वो अपना भविष्य तभी संवार सकता है जब वो अपने इतिहास को सहज कर रखता है। बीते वर्षों में भारत ने अपने इतिहास को सहजा भी है, संवारा भी है। हमने नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण किया, हमने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाई, हमने अंडमान में नेताजी सुभाष और परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नामकरण किया, हमने दांडी में नमक सत्याग्रह का आधुनिक स्मारक का निर्माण किया, हमने बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े पंचतीर्थ को विकसित किया, हमने रांची में भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में म्यूजियम बनाया, सरदार पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे कार्यकाल में बनी, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस हमारी सरकार ने घोषित किया, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का अवसर हमें मिला, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में याद करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया, 26 दिसंबर को हमने साहिबजादों की स्मृति में वीर बाल दिवस घोषित किया, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित करने का फैसला भी हमारी सरकार ने किया और 21 जून को संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल योगा डे भी हमारी ही सरकार के प्रयासों से घोषित किया।